डिस्क्लेमर, न्यूज शुरू करने से पहले उन अफराद से गुजारिश है कि जिनके सेंस ऑफ ह्यूमर को जंग लग चुका है वो उसे तेल लगाएं या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो अफराद जो कंटेंट का पूरा मजा लेके मोहल्ले की फूफी का किरदार अदा करें उनसे गुजारिश है कि यूट्यूब पे 36,000 चैनल्स हैं, वहां जाकर अपना टाइम वेस्ट करें। मेरा कॉन्टेंट सिर्फ मेरे फैंस के लिए है। कंफ्यूज कॉम की चस्का न्यूज के साथ मैं हूं आपके सबसे सॉर्टेड होस्ट सबा कमर। पीएम ने हमारी सोई हुई आवाम को जगाने के लिए अर्थरूल देखने का मशवरा दिया ताकि ये कौम कुछ सीख सके, लेकिन वो शायद भूल गए थे कि ये कौम पैदा ही समझदार हुई है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमारी कौम ने इस ड्रामे से क्या सीखा। अर्थरूल पापड़, अर्थरूल नस्वार, अर्थरूल सर्विस स्टेशन, अर्थरूल नेरोनेर। और इतला के मुताबिक आने वाले साल के पहले महीने में पाकिस्तान के हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में अर्थरूल खान, अर्थरूल शेख, अर्थरूल भट्टी, अर्थरूल गुज्जर, अर्थरूल वड़ाइच नजर आने के इम्कानात हैं। खबरों की दुनिया में इस हफ्ते 5 ड्रामे टॉप पर रहे। नंबर 5 पे रहा उमर अकमल का ड्रामा। ड्रामे का नाम है मदर फ्रॉम अनदर ब्रदर। जो सोशल मीडिया पे काफी अरसे तक ट्रेंड करता रहा। नंबर 4 पे रहा मीरा जी का ड्रामा जिसका नाम है मैं अपने वतन आके मरना चाहती हूँ। अपने वतन आकर मरना चाहती हूँ। जिसकी शूटिंग न्यूयॉर्क में उनके ससुराल के घर में हुई, जिसे उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाने के लिए कहा कि इस ड्रामे की शूटिंग न्यूयॉर्क के किसी होटल में हुई है। लेकिन मीरा जी के ससुर ने इस बात की तर्दीद कर दी है और ये भी बताया कि इस ड्रामे की सक्सेस में उन्होंने बारबेक्यू किया और बच्चों के साथ खूब छलांगे लगाई। नंबर 3 पे रहा कोरोना में शादी। आहत सज्जल की शादी, शहरोज सदफ की शादी, दानियाल फरियाल की शादी, आगा हिना की शादी, बेस्ट फ्रेंड की शादी, फुप्पी के बेटे की शादी, मामू के बेटे की शादी, खाला की बेटे की शादी, अम्मी अब्बू की दूसरी शादी। नंबर 2 पे रहा अर्थरूल। पीजी टीवी पे चलने वाला ये ड्रामा अरूज की बुलंदी को छू रहा है, जिससे बहुत से चैनल्स, एक्टर्स और लोगों को हैरान कर दिया कि जिस चैनल पे सुंदर अट्रैक्टिव देखने के अलावा कुछ नहीं मिलता था वो टॉप रेटिंग ले गया। इतला के मुताबिक इस खबर के बाद प्राइवेट चैनल्स के ओनर्स को मिनी हार्ट अटैक आए हैं। जरा इसे पता चला है कि अभी वो खतरे से बाहर है और सांसें चल रही हैं। नंबर 1 पे रहा कर्नल की बीवी का ड्रामा। मुझे हटाना आता है, हटाओ आगे से, दवा खराब नहीं करो मेरा, चलाओ गाड़ी लो। अर्थरूल ड्रामे के बाद इस हफ्ते कर्नल की बीवी का ड्रामा अर्थरूल की रेटिंग को मात दे गया, लेकिन ड्रामे के एंड पे पता चलता है वो तो कर्नल की बीवी ही नहीं, ये जानकर ड्रामे के फैंस के दिल टूट गए और गुस्से में आके उन्होंने अपने टीवी तोड़ दिए। साबित हुआ कि हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट की कमी नहीं। 22 करोड़ आवाम चाहती है कि पीएम हर मसले का हाल निकाले। मसलन कोरोना का मसला, महंगाई का मसला, पानी का मसला, बिजली का मसला, पेट्रोल का मसला, इनके नहाने का मसला। तो मैं इस आवाम को बताना चाहती हूँ कि वो खान है कोई सामरी जादूगर नहीं है जो हुआ करके सब ठीक कर देगा। लेकिन सलाम है खान साहब के हौसले को कि वो फिर भी कहते हैं घबराना नहीं है। हुकूमत ने कहा कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, ये सुनते ही हमारी बहुत सी खवातीन फजर की नमाज के बाद कोरोना से लड़ने शॉपिंग मॉल्स के बाहर नजर आई। हर दुकान, हर शॉपिंग मॉल और ब्रांड्स में घुस घुस के कोरोना को मारने की भरपूर कोशिश की। इसमें दुकानदारों ने भी उनका साथ दिया, बजाहिर शटर बंद करके उन पर अपने फोन नंबर लिखे और नंबरों पर रब्ता करने के लिए कहा कि हम आपको बताएंगे कि कोरोना कहाँ कहाँ है। आइए हम अपने नुमाइंदे से बात करते हैं जो इस वक्त जाए वो कुआ पर है। जी शाबीर, नाजरीन को आगाह करें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर नजर आ रहे हैं और खवातीन कैसे मर्दानावार मुकाबला कर रही हैं। जी सब, खवातीन मर्दाना वार क्या स्पाइडरमैन की तरह मुकाबला कर रही हैं, जबकि पुलिस अहलकार कोशिश कर रहे हैं कि इन खवातीन को इन दुकानों से बाहर कैसे रखा जाए, लेकिन खवातीन बजिद हैं कि वो कोरोना घर लेकर जाकर ही मारेंगी। इसी बहस में कुछ पुलिस अहलकारों ने दुकानों के शटर डाउन करना शुरू कर दी हैं, जबकि कुछ खवातीन उन्हीं दुकानों में बंद हो गई हैं। जी अब जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ खवातीन यहाँ से निकलने की कोशिश करें लटक, एक्सक्यूज मी हम लोग प्लीज आप प्लीज थैंक यू, औरतें गुजरी जा रही हैं, कहीं कहीं से भी आई हैं, कहीं से भी जा रही हैं। अगर ऐसे ही चला रहा तो कोरोना इस मुल्क से ये समझ के भाग जाएगा कि उसकी कोई सरफेस तक नहीं है। बैक ओवर टू यू सबा। अब थोड़ी गुज़िश्ता ईद की खबरें।
चौधरी साहब और मुफ्ती साहब की जंग में चांद भी परेशान हो गया कि मैं कहां जाऊं। लेकिन चांद ने सोचा कि रोयते हलाल कमेटी के इतने अफराद इकट्ठे खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं, कहीं कोरोना ना करा बैठे, मैं चौधरी साहब की बात मान लेता हूं। इस तरह तारीख में पहली बार हमने इकट्ठे ईद मनाई। और एक लड़के ने ट्वीट किया कि थोड़ी देर और रुके तो सूरज नजर आ जाएगा। खबरों के आखिर में मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे लास्ट एपिसोड के मोनोलॉग को आपने बहुत पसंद किया। मेरे कंटेंट को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। और अगर मजीद अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और वो लोग जो जानना चाहते थे कि दिनू और 8 साल वाला कौन है, आप सबकी भरपूर फरमाइश पे आफ्टर दिस काउंटडाउन। मैं नहीं बताऊंगा। खबरदार, प्लीज अपना ख्याल रखें, घर में रहें, अपने बड़े और बच्चों का खास ख्याल रखें, बार बार हाथ धोएं, शॉपिंग से परहेज करें, इस कोरोना को इतना इजी ना लें, घर बैठे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर मजीद अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट करें, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है।